नमस्कार, स्वागत है आप सबका नारद टीवी पर। नारद टीवी आज आप सबको रूबरू कराने जा रहा है हिंदी फिल्म एवं टेलीविजन जगत की एक मशहूर हस्ती मुकुल नाग से। मुकुल नाग हिंदी सिनेमा जगत के एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने पर्दे पर जो भी किरदार निभाया वो अपने आप में एक मील का पत्थर बन गया। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। फिर चाहे वो श्री कृष्णा के सुदामा हो, अश्वत्थामा हो या फिर साईं बाबा। मुझ पर किसी ने अत्याचार नहीं किया, नहीं मैं न्याय की याचना करने आया हूँ। मैं तो परदेसी हूं, बहुत दूर से आया हूं। हाँ युवराज, मैंने अपने पिता श्री के हत्यारे धृष्टद्युम्न को भी मार डाला। मैंने शिखंडी को भी परलोक पहुंचा दिया। मेरा भक्त चाहे मुझसे कोसों दूर हो, मेरा उस पर ध्यान रहता है। मैं हमेशा उसके साथ होता हूं, हमेशा उसका साथ देता हूं, उसकी खुशियों में अपनी खुशी देखता हूं। एक अभिनेता के तौर पर मुकुल जी ने अपने करियर में अलग अलग तरह के चुनौतीपूर्ण किरदार किए। जय राम जी के सिंह साहब, अपने काहे तकलीफ किए। कोई कुत्ता भेज दिया होता अपना, हम हाजिर हो जाते। दलावाजी बनकर साला, बहुत हो गया तुम्हारा दोगलापंथी। अरे सरकार बैठी है तो काहे फायर होते हैं। डीएसपी साहब को कैसे पता चला हिसाब किताब का? आप बोल रहे हैं दरोगा साहब, गर्दन काट के गंगा माई को चढ़ा देंगे जो कुछ साबित कर दे कि नोनुआ का जबान कहीं खुला हो। पैसा आ गया भाई, डॉक्टर का डिलीवरी देना है, खान एक एक गाड़ी चेक कर रहा है। डीजीपी साहब को फोन लगा। जी भाई। जब कोई अभिनेता किसी किरदार को निभाकर प्रसिद्धि हासिल करता है तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि कहीं वो उस किरदार में बंधकर ना रह जाए। मुकुल जी के फिल्मी करियर में ऐसे कई पड़ाव आए जहां शायद अन्य अभिनेता अपने उस किरदार से बाहर ना निकल पाते, लेकिन मुकुल जी ने अपने साथ ऐसा नहीं होने दिया। सागर आर्ट की मशहूर टेलीविजन सीरीज श्री कृष्णा में जहां ये कृष्ण भक्त सुदामा बने, तो वहीं दूसरी तरफ उसी धारावाहिक में कृष्ण बैरी अश्वत्थामा भी बने, फिल्मी पर्दे पर हीरो भी बने और खूंखार आतंकवादी भी। और सबसे बड़ी बात, इन्हें इन सभी किरदारों में समान रूप से प्रसिद्धि मिली। आइए मुकुल जी से बातचीत का सिलसिला जारी करते हैं और जानते हैं उनके फिल्मी करियर और व्यक्तिगत जीवन की कुछ दिलचस्प बातें। सर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नारद टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, नारद टीवी में मेरा साक्षात्कार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके पूरे चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज करीब दो दशकों के बाद आपके टेलीविज़न धारावाहिक, जो पिछले पुराने टेलीविज़न धारावाहिक थे, एक बार फिर से प्रसारित हो रहे हैं, जैसे ब्योमकेश बख्शी, श्री कृष्णा, साईं बाबा, तो कैसा लग रहा है आपको आज दो दशकों, 20 सालों बाद करीब ऐसा फिर से एक मौका आया है, लोग आपको टेलीविज़न पर देख रहे हैं आपके पुराने धारावाहिकों को? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उस दौरान मैं अपने आप को देख नहीं पाया था या सीरियल उस तरह से नहीं देख पाया। कुछ एपिसोड छूट गए, कुछ देखे नहीं। ब्योमकेश बख्शी भी मैंने अभी देखा जी, है ना। फिर पुराने पुराने कुछ फोटोग्राफ्स थे वो मेरे को मिले थे जी, वो किसी ने भेजा था तो। लेकिन अब जो है इस समय लॉकडाउन के समय में जी, बैठ के अपने आप को देखना पूरे परिवार के साथ, वो एक अलग ही अनुभव है। और पता चल रहा है कि हाँ, क्या सही था क्या नहीं था, ये करना था या ये नहीं करता तो अच्छा रहता, तो ये सब एनालिसिस चल रहा है जी जी। और अपने आप को तोल रहा हूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हुँ, बहुत इत्मीनान से मैं अपना एपिसोड देख रहा हूँ जी।
तो वो शुरुआती दौर था आपका, और अभी आप तो मतलब बहुत बदलाव आ गया 20 साल में, तो आपके अभिनय में क्या आपको अंतर नजर आया कि पहले के और आज के दौर में? देखिए, पुराना काम एज एन एक्टर मैं उसको बिल्कुल मतलब क्रिटिकल तरीके से देख रहा हूँ, और कि ये गलत हुआ है या ये एक्सप्रेशन यहाँ अगर कुछ ऐसा होता तो ज्यादा अच्छा था। जी जी, तो इस तरह का भाव आता है एक्सप्रेशन कह लो या कि नहीं यार यहाँ थोड़ा सा पॉज लेकर बोलता जी तो इसका इफेक्ट अलग आता जी। लेकिन इस समय मैं बैठ के देख रहा हूँ, लेकिन उस समय वहाँ डायरेक्टर ने ओके कर दिया जी, उस समय के माहौल के हिसाब से अच्छा रहा होगा जी, ये नहीं है। तो लेकिन हर बार परिवर्तन होता है जी। जैसे मैंने शुरुआत के जो काम थे उसमें मॉनिटर होता नहीं था जी, तो मतलब जो कैमरामैन ने कह दिया जी, तो वो फाइनल है जी, है ना। तो कैमरामैन की बहुत बड़ी भूमिका होती थी सीन को ओके करने के लिए। डायरेक्टर पहले कैमरामैन से पूछता था जी कि आपको कैसा लगता है, कैमरामैन बोलता नहीं मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, तब डायरेक्टर बोलता था यस ओके लेकिन एक और कर ले क्या जी इमीडिएटली। तो मतलब उस समय की जो वैल्यू थी कैमरामैन की बहुत बड़ी वैल्यू थी, आज भी है जी, लेकिन वो 100% था वो जी जी। अच्छा, हम चाहेंगे कि आप अपने लाइफ के बारे में शुरुआत से कुछ बताएं, मसलन आपकी पैदाइश कहाँ की है, परिवार में आपके कौन कौन था, और आपकी जो शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई वो कैसे हुई? देखिए, मेरा जन्म मेरठ में हुआ जी, और बहुत ही कम उम्र में पिता का साया सर के ऊपर से चला गया था। अच्छा, मतलब मैं 2.5 साल का ही था जी जी। तो मेरे नाना नानी ने मेरे को पाला है, मेरे पूरे परिवार को जी, इसमें मेरी मंझली मौसी भी थी जी, तो उन लोगों का बड़ा साथ था। मेरी माँ ने बड़े कष्ट सहे जी, और हमको इतना बड़ा किया जी। तो मेरा कॉलेज स्कूल सब कुछ मेरठ में ही हुआ जी, और आज मेरठ की बहुत बड़ी भूमिका रही है जी। आज भी मेरठ में मेरा घर है जी। मैं अपने मेरठ वासियों का बहुत ही आभार हूँ, आभार प्रकट करना चाहूँगा कि वहाँ जो मेरे गुरु थे उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया, बहुत कुछ सीखा मैं उनसे जी। मेरे जो एक क्वेश्चन जो आपके उसमें भी था कि जी, इसकी शुरुआत कैसे रही जी, बात उस समय की है, मैं छोटा था, मैं बंगाली हूँ जी हाँ, और हमारे यहाँ दुर्गा पूजा का बहुत महत्व है, और दुर्गा पूजा हमारे यहाँ आज 217 साल का पूजा हो चुका है जी जी। तो हमारी स्थायी जगह है, स्थायी स्टेज है, लेकिन उसको बांधना पड़ता था, पहले बांस बल्ली से थोड़ा सा वर्क करना पड़ता था जी हाँ। तो मैं बचपन से मैंने देखा था कि वहाँ नाटक होता था जी, और मुझे बड़ा प्रभावित करता था जी, कि वो 5-6 दिन या उससे पहले जो रिहर्सल और ये प्रक्रिया होती थी जी, वो एक हमारा जो है 2-2.5 महीने का उत्सव होता था जी। तो उसी से मेरा जुड़ाव बना दुर्गाबाड़ी मेरठ, और उसमें फ्रेंड्स यूनियन ड्रामेटिक क्लब जी, तो वहाँ हमारे जो थिएटर होते थे, नाटक होते थे, सब बंगाली में होते थे जी। और बंगाली नाटक कैसे होता था कि जब सप्तमी अष्टमी नवमी 3 दिन नाटक होते थे, बहुत लेट शुरू होता था, रात में ख़त्म होता था, रात में करीब 4 बजे 4:30 बजे नाटक ख़त्म होता था। अच्छा, एक बार पर्दा गिरता था तो 15-20 मिनट बाद पर्दा उठता था जी, क्योंकि साधन कम थे, सेट चेंज करना होता था, लाइटी चेंज करनी पड़ती थी जी, तो लोग बैठे रहते थे जी। और उस समय सर्दी हो जाया करती थी, तो मूंगफली के दाने के साथ अपना प्ले देखते थे, तो वो मेरे लिए बड़ा अट्रैक्टिव था जी। वहीं से मेरे दिमाग में आया जी, लेकिन मेरे को कभी अंदर आने नहीं दिया रिहर्सल्स वगैरह में,
जी, लेकिन नाटक मुझे बड़ा प्रभावित करता था जी। तो मेरे, अगर आप प्रश्न करेंगे तो फिर मैं आपका जवाब दे दूंगा। हाँ जी जी हाँ, आपने मतलब महज 12 साल की उम्र से ही आपने ऐसा, जैसा कि रिसर्च की हमारी टीम ने आपके ऊपर, उसमें हमको पता चला कि 12 साल की उम्र से ही आपने एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। तो वो समय क्या एक शौकिया के तौर पर ही आप एक्टिंग करते थे, या फिर मन था कि फिर आगे चल करके बड़ा होकर के एक्टर ही बनना है, ऐसा कुछ था? नहीं, उस समय गोल नहीं था मेरा जी। गोल उस समय मेरा था, मेरी जिंदगी में तीन गोल थे जी, तीन। पहला था मिलिट्री में जाना जी। अच्छा। दूसरा क्रिकेट, तीसरा अभिनय। इन अच्छा। तीन चीजों पे मेरा बड़ा शौक, और वो बराबर पैरेलल चलता था। अच्छा। तो मैं एनसीसी का सी सर्टिफिकेट पता नहीं कहाँ खो गया है, लेकिन प्राप्त हूं मैं जी। और एक महीना ओवर एज हो गया मेरा एनडीए सिलेक्शन में। अच्छा। तो मैं बड़ा रोया। तो उस दौरान फिर मैंने एनसीसी छोड़ी, सब कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा भी यहाँ मेरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ओवर एज हो गया हूँ, एक महीना ओवर एज हो गया जी। तो उसके बाद क्रिकेट चालू किया, क्रिकेट में फोकस किया जी। लेकिन मेरे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन में अंडर टेबल पैसे मांगे गए उस समय 5,000 रुपये जी। तो मैंने वहीं चौकड़ी मार दी कि नहीं भाई, हमारी स्थिति ऐसी नहीं है। उस समय 5,000 का मतलब बहुत बड़ी बात होती थी जी जी। वो मैंने 79 पे बल्ला छोड़ा तो छोड़ा, और उसके बाद फुल फ्लैश मैं एक्टिंग में आ गया। मैंने कहा कि यहाँ जो है सिर्फ अपनी मेहनत और लगन के साथ मैं काम कर सकता हूँ जी। यहाँ किसी को पैसे नहीं देने पड़ेंगे जी। यहाँ कोई मेरे को ओवर एज और इस तरह की बातें नहीं होगी जी। क्यों ना मैं इसी फील्ड पे आगे बढ़ूँ, मैं थिएटर करूँ। उस समय मैं थिएटर मेरठ में बहुत जोरों पर चल रहा था, तो मेरे को पता चला नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में, वहाँ ट्रेनिंग होती है और एक अलग लेवल होता है। उस समय पता चला कि नसीरुद्दीन शाह वहाँ से है, ओम पुरी जी वहाँ से है जी। हाँ जी। तो मतलब और आपके एक और थे इरफान खान, मनोहर सिंह जी तो बड़े। हाँ नहीं, इरफान खान तो बहुत जी बाद में आए। अच्छा अच्छा, आपके बाद साथ में। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, मेरे मतलब वो अपने जगह थिएटर करते थे एनएसडी के, तो मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। अच्छा, 79-80 की बात कर रहा हूँ। ओके ओके जी जी जी। हाँ, तो उस दौरान ओम शिव पुरी जी वो फिल्मों में आ चुके थे, ओम शिव पुरी जी। तो उनसे इंस्पायर्ड थे कि पता चला कि वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं जी। लेकिन उस समय फिल्मों का तो हमने सोचा ही नहीं था, मैंने तो सोचा नहीं था जी। तो मैंने कहा रेडियो है और ये है, तो उसके लिए दिल्ली जाना चाहिए जी। और दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, तो खोजबीन की गई, तो उसका पता चला जी। तो फॉर्म वॉर्म भरा और 80 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, 81 में नहीं हुआ, 82 में नहीं हुआ, 83 में नहीं हुआ, 84 में नहीं हुआ, 85 में नहीं हुआ, 86 में नहीं हुआ, फिर भी मैंने अच्छा। हिम्मत नहीं हारी। अच्छा। मतलब सिलेक्शन का क्राइटेरिया, कभी मैं वेटिंग लिस्ट में होता था, कभी कुछ हो जाता था जी। सेकंड टाइम मेरे से बोला गया था कि मैं क्राफ्ट वगैरह बहुत अच्छा था, तो मेरी माँ ने जब मेरे को क्राफ्ट का बहुत काम सिखाया था जी। जब मैं पहला जो मैंने प्ले, जिसके बारे में आपको पता है जी, जो पहला जो प्ले किया था, उसमें तलवार वगैरह बनाने का काम मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। अच्छा। ऐसे कैंची पकड़ो, ऐसे ये करो, किस तरह से आप उसमें, तो वो कलर होता नहीं था, सिगरेट का कवर होता था अंदर एक, तो उसको चिपका चिपका के मैंने सिल्वर कलर दिया था मम्मी के कहने पर। अच्छा। मम्मी ने सिखाया था मेरे को जी। आज भी माँ है, माँ का क्राफ्ट, मैंने माँ से ही मैं सिलाई बुनाई सिखाया मैंने जी जी। सिलाई जी भी मेरे को आती है, मशीन चला लेता हूँ घर में। अच्छा। क्या बात। मम्मी की मशीन, मम्मी को पिताजी ने गिफ्ट किया था जी, शादी के समय गिफ्ट किया था, शादी के बाद ही मतलब जी। तो वो मशीन आज भी मेरे पास है, माँ है मेरे पास, तो उससे मैं सीखता रहा था जी। तब मेरे को बोला गया था कि आप टेक्निकल लाइन पे आ जाइए, आप क्राफ्ट्स वगैरह में आ जाइए
अच्छा, तब मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा नहीं, मैं तो एक्टर बनना चाहूँगा। तब मैं नादान था, ऐसे में मेरी उम्र ही कितनी थी, 20 साल का था जी। तो मैंने उस समय, मेरे को बाद में पता चला कि अगर मैं उस समय आ जाता तो बड़ा अच्छा रहता जी, क्योंकि फिर वहाँ से फिर मैं चेंज हो सकता था जी, एक्टिंग में भी जा सकता था। जा सकता, लेकिन इसका अंदेशा नहीं था। मैं बिल्कुल प्योरिटी के साथ बोला नहीं, मुझे एक्टिंग ही करना, ये काम तो मेरे, मैंने किया हुआ है, इसलिए मैं उनको बहुत सारी चीज़ें, पेंटिंग, ये वो, क्राफ्ट, मास्क वगैरह, मैं सब लेकर गया था दिखाने के लिए जी। जी, लेकिन 87 में मेरा सिलेक्शन हुआ जी NSD में। हाँ, लेकिन उस दौरान मैं दिल्ली आना जाना मैंने शुरू किया जी, रोज ट्रेन पकड़ता था, दिल्ली आता था, मंडी हाउस रुकता था जी, वहाँ प्ले करता था। फिर वहाँ से फिर मैंने 83-84 में श्रीराम एक्टिंग कोर्स किया 6 महीने का जी। मेरे प्रथम गुरु थे पंचानंद पाठक जी। अच्छा, उनके साथ मैंने सीखा जी, और फिर श्रीराम रेपेट्री प्रोफेशनल एक्टर की तरह काम किया मैंने जी, श्रीराम रेपेट्री कंपनी में जी। उसके बाद फिर वहाँ 1 साल किया, जमा नहीं कि पैसा ही कमाना था या नौकरी, मेरे को पसंद नहीं थी जी, किसी की ताबेदारी मेरे को पसंद नहीं आती थी शुरू से जी, तो नौकरी नहीं कर पाया, फिर छोड़ दिया। फिर फ्रीलांसिंग काम करता रहा जी, रेडियो में काफ़ी नाटक किए। उस समय रेडियो में एक नाटक करने पर 30 रुपये मिलते थे युवा वाणी में जी, तो उससे काम चलाते थे। फिर इस तरह से इन्वॉल्वमेंट होता रहा, दिल्ली में अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करता रहा जी, बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ काम कर चुका था। इनफैक्ट जब 87 में मेरा सिलेक्शन हुआ जी, उस समय हमारे डायरेक्टर आए थे मणिपुर से, रतन थियम जी। अच्छा, हाँ, रतन थियम जी बहुत ही धुरंधर डायरेक्टर थे, एक डिसिप्लिन्ड आदमी थे, जिनसे मैंने डिसिप्लिन सीखा, एक आत्मनिर्भर होना जी, हर काम में परफेक्शन होना जी, वो मैंने उनसे सीखा जी, कि नहीं ये काम में यही होना चाहिए जी, तो वो मैंने उनसे सीखा जी। तो उनको छोड़कर 10-12 जने इंटरव्यू में थे, मैं सबके साथ मैं कहीं ना कहीं से काम कर चुका था। बड़े बड़े धुरंधर जो वहाँ बैठे थे, बी एम शाह जी मेरे को जानते थे, पंचान पाठक जी भी बैठे थे उनके साथ, तो वो मेरे प्रथम गुरु रहे हैं दिल्ली में जी। तो लास्ट में रतन थियाम ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि मुकुल एक बात बताओ जी, तुम तो पिछले 7-8 साल से NSD सिलेक्शन के लिए आप फॉर्म भर रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, सिलेक्शन नहीं हो पाया जी, कई बार तुम रह गए हो, स्कॉलरशिप, यूपी की स्कॉलरशिप नहीं मिला, वेटिंग में थे जी, व्हाटएवर जी, अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करोगे जी। तो मैंने उनसे एक ही बात कही, मैंने सर मेरे पास अभी 3-4 साल है जी, क्योंकि आपके टर्म्स एंड कंडीशन में ये है कि 30 साल के बाद आप फॉर्म दोबारा भर नहीं सकते जी, तो 3 साल में और भरूंगा जी, उसके बाद थिएटर मुझे करना ही है और मैं करता रहूंगा जी। तो अच्छा, कह के चलाया करीब 1.5 घंटे का मेरा वो था, लेकिन बाद में लिस्ट देखा तो मेरा सिलेक्शन हो गया था जी। अच्छा, जब आप मेरठ से दिल्ली आए और जो इतना लंबा समय रहा 7-8 साल का आपने संघर्ष किया, उस दौरान संघर्ष के कुछ आपको किस्से याद हो तो आप दर्शकों से ज़रूर साझा करें, क्योंकि हमारी आज की जो पीढ़ी है जिनको इन सब चीज़ों में रुचि है, उनको एक्टर बनना होता है तो उनको लगता है सारी चीज़ें बहुत आसान है। आज तमाम तरह के एप्लीकेशन टिकटॉक जैसे आ गए हैं, वहाँ पर जो है लिपसिंग करते हैं और फिर सोचते हैं कि ये सब बड़ा आसान है, तो हमारी आज की वो पीढ़ी भी जान सके कि हाँ किन तरह के संघर्षों के बाद एक जो अभिनेता होता है और अब संघर्ष की सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद वो महान बनता है, कुछ ऐसे किस्से संघर्ष के आप साझा करना चाहें दर्शकों से। देखिए, मैंने पहले कहा था कि मेरे पास फाइनेंशियली मेरे पास बैकअप नहीं था जी,
तो मेरे घर से स्टेशन करीब 5 से 6 किलोमीटर था जी। तो मैं शुरुआत में पैदल चला हूँ मैं जी, स्टेशन जाना, स्टेशन से पैदल आना जी। फिर पुरानी दिल्ली में कई बार गाड़ी आती थी, तो पुरानी दिल्ली से मंडी हाउस पैदल जाना जी, पैदल आना जी। वो जो दौर था सिर्फ मेहनत, फिजिकली बहुत मेहनत की है मैंने उस दौरान जी। फिर मैंने एक साइकिल खरीदी 50 रुपए में, अच्छा, पैसे जोड़ जोड़ के जी। तो वो मेरठ में, मेरठ से घर से चलता था जी, स्टेशन पे खड़ी करता था जी, और उस तरह से मैं स्ट्रगल करता था जी। उस स्ट्रगल के दौरान मेरी सिस्टर, मेरी माँ जी, मेरे बचपन के दोस्त जी, उन्होंने काफ़ी मदद की जी। माँ हमेशा इंतज़ार करती रहती थी मेरे लिए, रात को 11-12 बजे जी रोटी सब्जी रखती थी जी, आएगा तो खाएगा जी। मेरे दोस्त लोग, कभी कभी ऐसा होता था, मैं, मेरे पास पास के पैसे नहीं होते थे, 12.5 रुपए भी नहीं होते थे जी, तो मेरे दोस्त लोग कभी कभी मेरे जेब में पैसे रख देते थे, कह कि तू कब डालते थे मेरे को पता नहीं, क्या तू आज दिल्ली नहीं गया? मैंने कहा नहीं यार दिल्ली, अरे बेवकूफ चल दिल्ली जा, तेरा यहाँ कोई भविष्य नहीं है, जा जा जा, मेरे धक्के मारते थे जी। अगर तो तेरे जेब में पैसे हैं, हमने देखा है, देखता हूँ, मतलब मेरे जेब में पैसे होते थे, कब डाल दिया जी। तो मुस्कुराते, मुस्कुरा कर बोलता था जी, अबे तू तो रेस का घोड़ा है हमारा जी, अब तू निकल ले पतली गली से जी, तेरा भविष्य यहाँ नहीं है, निकल जी। आज भी मेरे वो दोस्त हैं, बड़ा गर्व होता है जी, मेरे उन दोस्तों के बारे में सोचता हूँ तो, मेरी जिंदगी में मेरी कमाई मेरे दोस्त लोग हैं जी। जी बिल्कुल, मेरठ में बहुत काम किया, मेरठ में मेरे प्रथम गुरु थे स्वर्गीय श्री सोमिरन योगी जी जी, बहुत ही फैंटास्टिक एक्टर थे, बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर थे जी, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मिस्टर घोष, उनसे मैंने टेक्निकल चीज़ें सीखी मेरठ में जी। उस दौरान जी एक बोलाइदा करके होते थे, वो दिल्ली से आते थे, वो किस तरह से गांठ मारना चाहिए जी, किस तरह से लाइट को लगाना चाहिए, पर्दे में किस तरह से पर्दा खोलने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ये सब बारीकियां हमने उस समय सीखी जी। जब मैं लंदन में शो करने गया, साईं बाबा का मेरा नाटक था, तो उस दौरान स्टेज बनाना था, सामान आ चुका था और टेक्निकल लोग नहीं आए थे स्टेज बांधने वाले जी, और मुश्किल से 6-7 घंटे बचे थे शो के जी। तो वो लोग ऑर्गेनाइजर मतलब कर रहे थे कि हाँ आने के बाद करेंगे, मैंने कहा टाइम जा रहा है, मैंने अपनी टीम को बोला क्या बात है, आंखों आंखों में इशारा किया, फिर हम लोग टूट पड़े और हमने अपने पास जो रस्सियां थी उनके पास जो पड़ी थी हमने स्टेज खड़ा कर दिया जी, विद इन 1.5 घंटे में विद लाइटिंग के साथ। वो लोग आए और कहने लगे कि ये आपने कैसे कर दिया, हेल्थ एंड सेफ्टी और ये वो, हमने कहा आप मेरी एक गांठ खोल के दे दीजिए, अगर ये गांठ खुल गई जी तो मैं आपसे एक पैसा नहीं लूंगा और ऐसे ही सारे शोज करूंगा। अच्छा, क्योंकि वो गांठ मैंने बचपन में बांधना सीखा था, मैंने अपने बड़े बड़े लोगों से, अपने थिएटर के लोगों से बचपन में जी। वो गांठ वो लोग नहीं खोल सके जी। तो ये वो दौर था, जो बचपन में चीज़ें सीखी होती है तो वो बड़ी मजबूती से बैठ जाती है जी। जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में घुसने की सीखी थी कला माँ के गर्भ में जी, हाँ उसी तरह से हमने बचपन में ये सारी टेक्निकल चीज, आज भी टेक्निकल चीज़ों में जी मैं एक्सपर्ट हूँ और मैं कह सकता हूँ जी। अच्छा, करियर की शुरुआत कैसे, मेन स्ट्रीम में कैसे आना हुआ आपका, मुंबई तक सफ़र कैसे रहा आपका? मुंबई में मैं काम करता रहा, वर्कशॉप करता रहा जी,
रेडियो टीवी में नाटक करता रहा। अच्छा। और थिएटर तो मैं पूरा ही करता रहा जी। हमारे एनएसडी के गुरु थे बीएम शाह जी, जी स्वर्गीय बीएम शाह जी, जी वो मेरे को बहुत प्यार करते थे जी। वो बोलते थे भाई ऐसा है तेरा भविष्य अब यहाँ नहीं है, तू बॉम्बे जा, बॉम्बे जा, वैसे चाहिए तो मेरे से ले लियो जी। जब भी देखते थे मेरे को टोकते थे। और मैं सोचता मेरे पास 2000-3000 मुश्किल से पड़े हैं, क्या करूँगा, बॉम्बे में कहाँ रहूँगा जी। तो मैं धीरे धीरे पैसे जोड़ने लग गया जी। कि मैंने भाई बॉम्बे जाना है, तो थिएटर टेक्निकल में बड़ा हाई था तो मैं काम करता रहा टेक्निकली, जैसे लाइटिंग करना, लाइट डिज़ाइन करना, मेकअप करना जी, वो सेट डिज़ाइन करना जी। तो ऐसे कर करके मैंने 8000 रुपये जमा किए जी। यहाँ मेरे जीजा जी जो पद्मश्री हैं, पद्मश्री वायद बालेंदु प्रकाश जी जी, उन्होंने मेरा ठिकाना किया यहाँ पर। अच्छा। और उन्होंने फाइनेंशियली मेरे को मदद दी, जा तू अपने लड़ाई लड़ जी। मेरी दीदी मेरी दूसरी माँ है। अच्छा। उन्होंने बड़ा ही मदद किया जी। एक मिनट होल्ड कर रहा हूँ, माइक गिर गया। और कोई बात नहीं, इसे एडिट कर लीजिएगा। ओ कोई बात, वो सब एडिट जी। मेरी दीदी गोपा इंदु जी और मेरे जीजा जी वैद्य बालेंदु प्रकाश, पद्मश्री वैद्य बालेंदु प्रकाश जी जी। लेकिन यहाँ आने के बाद रूम मिला, कुछ मिला, फिर मैं अपने संघर्ष करता रहा जितना लोगों से जानता था। पहले अपने लोगों से मिला जो मेरे साथ दिल्ली में थे जी, तो उस दौरान मनोज वाजपेयी वगैरह सब लोग आ चुके थे। हम लोग जी एक दूसरे का नाटक देखने जाया करते थे। अच्छा। हाँ, इरफान मेरे से सीनियर है 3 साल, लेकिन अच्छा। मैं उस दौरान जब उनका सिलेक्शन हुआ मेरा नहीं हो पाया जी, तो मैं श्रीराम रेपेट्री में काम करता था, वो मेरा नाटक देखने आते थे, हम उसका नाटक भी देखने जाते थे, डिस्कशन करते थे चाय की दुकान पे जी। कोई अलग दौर था, इन सबसे मिलता रहा मैं जी। और फिर धीरे धीरे एक सर्कल बनता रहा जी। और मेरी पहली फिल्म है डायरेक्टर विमल दत्त। अच्छा। इन्होंने कस्तूरी फिल्म बनाई थी। अच्छा जी। उस वो नेशनल अवार्डेड फिल्म थी कस्तूरी जी। उनकी फिल्म में मुझे बतौर हीरो मुझे काम मिला जी। फिल्म का नाम था प्रतिमूर्ति। अच्छा। हाँ, उसमें परीक्षित साहनी जी थे जी। मेन तो वही थे जो नामचीन जी, बाकी एक क्लासिक मूवी थी जी, आदिवासियों के उत्थान के लिए जी। वो NFDC प्रोड्यूस कर रही थी तो वो रिलीज नहीं हो पाई। अच्छा। उसी दौरान रफ कट्स कुछ बासु चैटर्जी ने देखा था जी, बासुदा बोलते हैं हम, तो उन्होंने मुझे कॉल किया। अच्छा। तो मैंने बात की, तो उस समय मैं दिल्ली में था, तो उन्होंने कहा मेरा ब्योमकेश बख्शी है उसमें एक रोल है। अच्छा। और नेगेटिव रोल है, करोगे जी? मैंने कहा मैं तो हीरो कर चुका हूँ, तो नेगेटिव अभी चेंज हो रहा है। अच्छा। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, काम चाहिए था जी। क्या मेरा दिल्ली में एक अलग सेटअप था, तो जब बॉम्बे में पैसे कम पड़ते थे तो मैं दिल्ली आता था, प्लेस वगैरह डायरेक्ट करता था, कुछ काम कर लेता था, वर्कशॉप कर लेता था, कुछ पैसे मिलते थे, वो पैसे लेकर मैं फिर बॉम्बे चला जाता था जी। तो जिससे कि किराया, रहना, ये सब खर्चा होता था जी। मैंने वो रोल स्वीकार कर लिया। अच्छा। और मैं बासु चटर्जी के साथ जुड़ गया। अच्छा। और लगातार उन्होंने जो जब भी कुछ कोई काम किया जी, तो मुझे तब तब बुलाया जी, और उनके साथ अंत तक मैंने काम किया जी, जी। छोड़ते ही नहीं थे, यहाँ तक कि मैं अगर पहुँचने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं था तो ट्रेन से बस, बस से पैदल स्टूडियो पहुँचता था, लेकिन टाइम से पहले पहुँचता था जी। तो मेरे से प्रभावित थे, तो मेरे कहता था ऐसा कर तू मेरे को फलाना जगह मिल जाना, मैं अपनी गाड़ी से तुझे पिक कर लूँगा जी।
तो ऐसा रिश्ता हो गया था। अच्छा, तो मेरे साथ कहीं ना कहीं भगवान मेरी परीक्षा लेते थे और मेरे को मेरी सुविधाओं को बढ़ावा भी देते थे, मेरे को जो जरूरत होती थी समय समय पर दे दिया करते थे। जी, पहले स्ट्रगल हुआ कि भाई पैदल चल रहे हैं, फिर उन्होंने कहा अच्छा चलो, भगवान ने मेरे को सहारा दे दिया कि डायरेक्टर मेरे को लेकर जा रहा है। जी, तो इस तरह की चीजें होती रही। फिर धीरज कुमार का सीरियल मिला, ओम नमो शिवा, तो उसमें काम करता रहा, उसमें पवन देव का रोल किया। जी, जी। खड़े रहना पड़ता था लेकिन पैसा मिलता था, तो वो एक बड़ा मतलब एक बॉम्बे में रहने का एक मजबूत सहारा था। जी, 100 रुपए कन्वेंस भी मिलता था, तो वो कन्वेंस से तो सारा काम हो जाता था ना। जी, 100 रुपए में हमारा मुश्किल से 5 रुपए खर्चा होता था। अच्छा, तो 100 रुपए हमारे लिए बड़े इम्पोर्टेंट थे, वो कैश मिलता था। जी, तो उसी दौरान का इंसिडेंस कि हम लोग शूट कर रहे थे। जी, तो डांस का सीक्वेंस था, तो हम पवन देव हमारी इज्जत हमारे लिए चेयर वगैरह, डांसर थी डांसर का, हाँ तुम लोग चलो ये करो वो करो। जी, शूटिंग खत्म हुई, हम बस में इंतजार कर रहे हैं बस के लिए। जी, और जो डांसर थी वो गाड़ियों में साए 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 करके निकल गई। हमने कहा हमारी तो औकात ही कुछ नहीं है भाई। जी, फैक्ट बता रहा हूँ, हम लोग देखते थे भाई इनके पास तो गाड़ियां, हम साइकिल भी नहीं खरीद पाए बॉम्बे में अभी तक। लेकिन एक इज्जत थी, एक कैरेक्टर था, लगातार काम कर रहे थे, तो ये भी एक धारणा थी। जी, कि भाई ये सब कब कब होगा, हम तो शूटिंग खत्म बस के लिए इंतजार कर रहे हैं, ट्रेन में लद के जा रहे हैं। बासु चटर्जी कभी वो कन्वेंस नहीं देते थे। एक बार मैं 15 मिनट लेट पहुंचा, बहुत झाड़ लगाई, क्या हो गया? मैंने सर मैं भूल गया था कि मुझे कहाँ जाना है। क्या मतलब? मैंने कहा मीरा रोड से चला था जी, अंधेरी उतरा, तो मतलब मैं तो त्रिशंकु बना हुआ था, हाथ कहीं पैर कहीं गर्दन कहीं, और जब मैं स्टेशन पे पटक पटक दिया गया तो मैं भूल गया कि मुझे जाना कहाँ है। बहुत देर बाद मुझे पता चला यार मुझे तो फिल्म सिटी जाना है। जी, फिर उल्टी ट्रेन पकड़ के गोरेगांव आया, फिर वहां से बस की, बस का इंतजार किया। मैंने सर इसलिए 15 मिनट लग गए। जी, मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने सर नहीं, चल तेरे को 50 रुपए कन्वेंस दिया करूंगा तू लेट। मैंने कहा सर पहली बार लेट हुआ हूँ वो भी इस तरह से, तेरे को 50 रुपए कन्वेंस दूंगा, किसी को बताना नहीं, चुपके से है ना। अच्छा, तो मेरे को वो बत्ती बना के ना हाथ में, और भाई तू जा, चल हाथ मिला, हाथ मिला तो हाथ में मेरे पकड़ा देते थे जिससे कोई देखे ना कि मुकुल को कन्वेंस दे रहे मेरे को क्यों नहीं दे। तो इस तरह से देखिए कि कैसे ईश्वर मेरी मदद करते थे। जी, वो इस तरह से स्ट्रगल चालू रहा, फिर सागर आर्ट्स के साथ जुड़ा 85 में। जी, सागर लैला। जी, पहले आप अलिफ लैला के साथ आप जुड़े। हाँ जी, अलिफ लैला के साथ मैं जुड़ा। जी, किस तरह के आपने कितने रोल किए आपने उसमें? हाँ, तो अलिफ लैला मेरा लास्ट एपिसोड मेरा था। अच्छा, लास्ट एपिसोड आपका था। लास्ट एपिसोड मेरा था। उससे पहले मेरे को मेरा ऑडिशन इतना अच्छा हुआ था तो मोती सागर जी मुझे बहुत पसंद करते थे। जी, कि तू बेहतरीन एक्टर है, बेहतरीन एक्टर है। जी, क्योंकि जब ऑडिशन था उन्होंने सुनाओ, पहले अपनी स्पीच दी थी वो मैंने कर दिया गेटअप वेटअप के साथ, उसके बाद कर कुछ और अपनी तरफ से कुछ सुनाओ, तो मेरे को अश्वत्थामा की कुछ स्पीच याद थी तो अंधा युग की, तो वो मैंने सुना। फिर उनको बोला कि इसको कॉमेडी करके दिखाओ। मैं सर ये तो सीरियस है, कॉमेडी करनी करके दिखाओ, हम देखना चाहते हैं। उसको मैंने कॉमेडी भी किया, तो बोला कि इसको मतलब उछल उछल के करके दिखाओ, तो मैंने वो भी करके दिया। अच्छा, तो वो मैं उनका बड़ा पसंदीदा हो गया कि यार ये तो कुछ भी कर सकता है। अच्छा जी, तो उन्होंने मेरे को आनंद सागर से मिलाया कि भाई इसको एक रोल तो दो। जी, तब उन्होंने मेरे को अलिफ लैला में रोल दिया, फिर वो भी मेरे फैन हो गए। जी, क्योंकि पहला शॉट उन्होंने लगाया था तलवार हाथ में लेकर और मतलब अपनी हीरोइन को लेकर दौड़ना था, उस दौड़ने में इतने वेरिएशंस मैंने कर दिए अलग अलग शॉट में, तो उनको अच्छा लगा यार तू तो बहुत भयंकर एक्टर है यार, तू लंबे समय से काम करेगा मेरे। मैंने कहा सर दौड़ ही तू दिखा, नहीं वो मेरे को दिखता है, तू करता क्या है। जी,
वहाँ से फिर मेरा हर काम फिर उसी दौरान फिर उसके बाद काम करते करते फिर सुदामा आया। कृष्णा में सुदामा से पहले एक रोल और कर चुका हूँ, एक ब्राह्मण का रोल किया था मैंने। अच्छा हाँ, एक ब्राह्मण का रोल है जो अर्जुन को गाली देता है, कृष्ण को गाली देता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, तुम मेरे बच्चों का रक्षण नहीं कर सकते हो तो तुम किस तरह के भगवान हो जी? अर्जुन तुम अपने आप को बड़ा धनुधारी समझते हो ना जी, यमराज से मेरे बच्चों की रक्षण करके दिखाओ तब मैं जानूंगा। एक वो रोल था। अच्छा, वो रोल मैंने किया था जी के साथ। उसके बाद आपने अश्वत्थामा का भी रोल किया। उसके बाद मैंने सुदामा किया। सुदामा किया, फिर उसके बाद सुदामा के बाद अश्वत्थामा किया जी जी। उसके बीच में जय गंगा मैया किया जी। अच्छा हाँ, सागर आर्ट्स के साथ जी। उसके बीच में दो सीरियल उनके और थे जी, वो भी किया।